सर आप बताइए, आपके विद्यालय से आपके एक छात्र जो है गणेश कुमार जी सर, वो पूरे सूबे बिहार में आर्ट्स में टॉप किया है। जी सर, सबसे पहले मैं सर गणेश कुमार को अपने विद्यालय की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यालय से पढ़ करके और परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त किया और हमारा स्कूल और हमारे गांव, हमारे समाज और जिला का नाम जिले ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत लेवल पर नाम रोशन किया। कैसा विद्यार्थी था पढ़ने? विद्यार्थी सर एक आम विद्यार्थी जो होता है, सीधा साधा वैसा विद्यार्थी। मतलब पढ़ने में टैलेंट? पढ़ने में ठीक था सर, ठीक था। अब क्योंकि सर किसके अंदर में क्या मेरिट छुपा हुआ है, किसके जेबी में हीरा छुपा हुआ है, इसको तो देखना, मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है सर। अच्छा, पारिवारिक दृष्टि से वो कैसा? पारिवारिक दृष्टि से भी वो मीडियम परिवार का ही बिलोंग करता है सर। अच्छा, माने जो जिसको बच्चे को देखते हुए माने आकलन किया गया सर। तो वो रेगुलर क्लास करता था? जी सर, जी सर करता था, क्लास करता था, कभी कभी गैप भी होता था लेकिन क्लास करता था। ये गिरिडीह से आकर के समस्तीपुर जिले के आपके विद्यालय में नामांकन कराने का क्या उद्देश्य था उसका? सर उद्देश्य तो हम लोग सर तो बच्चे का एडमिशन लिए, वह बच्चा संजय गांधी स्कूल से पास किया जो कि हमारे समस्तीपुर जिला के हैं, तो हम तो जानते हैं कि बच्चा समस्तीपुर का ही पास किया है, समस्तीपुर का ही है, उसके आधार पर एडमिशन हुआ, बच्चे आके पढ़े। अब समस्तीपुर में वो कहाँ रहते थे इसकी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन आज हमको मालूम हुआ कि वो बच्चे वहाँ के हैं, लेकिन यहाँ रह के वह पढ़ते थे, शायद लॉज में रह के पढ़ते थे या कहीं और रह के पढ़ते, लेकिन समस्तीपुर से आते थे सर। इस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सर 2011 में हुई थी। अच्छा, 2011 के दुर्गा पूजा के दसवीं के दिन हम इसका स्थापना माने बहुत ही तेजी से किया गया था। और इसको मान्यता कब प्राप्त हुई? इसकी मान्यता सर 2013 में प्राप्त हुई थी। 2013 में? जी सर। लेकिन सर साइंस में लगभग 70% बच्चे फेल कर गए हैं, जो रिजल्ट आ रहा है, जो न्यूज में आ रहा है उसके आधार पर, और कॉमर्स का अच्छा है और आर्ट्स का भी रिजल्ट भी लगभग माने 70% बच्चे फेल कर गए हैं, लेकिन एक ही आशा यह बच्चे ने जगा दिया जो टॉप करके हमको खुशी दिया, लेकिन हमको इस खुशी से ज़्यादा निराशा भी है जो बहुत सारे बच्चे फेल कर गए हैं।